सो गाइस, आपने कभी मखनी मैगी ट्राई करी होती है? जो मैगी के पैक के पीछे दी होती है, बट हमने कभी ट्राई नहीं करी होती। हमें तो इजी रेसिपी चाहिए, प्लेन सी बनानी है, बट ये ट्राई करेंगे और इतनी यमी बनती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम बटर ले लेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हो, बट मैंने बटर यूज़। फिर हम उसमें अपनी प्याज डाल देंगे और उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें अपना एक टमाटो डाल देंगे और टमाटो को सॉफ्ट होने देंगे बिल्कुल। और आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, मैंने थोड़ी सी डाली है। देन इसमें आप पनीर के क्यूब डाल सकते हो, बट ये आप स्किप भी कर सकते हो। पनीर के क्यूब्स काफ़ी अच्छा टेस्ट देते हैं। बस इसको अच्छे से रोस्ट किया और इसमें हम पानी डाल लेंगे। मैंने एक मैगी के लिए पानी डाला है। इसमें अपनी मैगी डाल दूंगी और एक मैगी में मैंने दो मैगी मसाला डाले हैं। अगर दो मैगी मसाला ना हो ना, तो वो जो पाउच नहीं आते 5-5 रुपए वाले मैगी मसाला के, वो भी डाल सकते हो। तो बस जैसे नॉर्मल मैगी बनती है वैसे तैयार कर लो मैगी को। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल सकते हो, मैंने तो डाला है, थोड़ा सा डाला है बिल्कुल। और अब इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम डाल देंगे, 3 टेबलस्पून बहुत रहेगी, इससे ही बहुत क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। ये देखो ये कितना क्रीमी टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल क्रीम जैसी वाइट। ये देखो इसका फ्लेवर, इतनी टेस्टी बनती है ये। और अब हम इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इसमें ओरिगानो का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डाला नहीं, आप चाहो तो डाल सकते हो। अब इसका जब तक पानी खत्म हो जाएगा तब बस बन गई हमारी मैगी। और अब प्लेटिंग करते हैं। इसको मैंने क्रीम और चिली फ्लेक्स से गार्निश किया है, और आप चाहो तो इसमें धनिया और ओरिगैनो बहुत कुछ डाल सकते हो ऊपर से, बट मैंने सिर्फ क्रीम और चिली फ्लेक्स से गार्निश किया है। बहुत इजी है बनाने में और खाने में उतनी ही टेस्टी। जरूर ट्राई करना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइज।